नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे ब्लैक रोज और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। दोनों स्टॉक की बात करें तो दोनों स्टॉक में आज के दिन लगभग 10% की गिरावट देखने को मिली। देखा जाए तो कुछ रीजन्स भी है जिसके कारण स्टॉक में गिरावट हुई है, जिसको जो है कि हम आगे कवर करेंगे। सेकेंड, बहुत सारे ट्रेडर का दोस्तों इन स्टॉक में पैसा फंस गया है, जिससे रिलेटेड भी हम आगे बात करेंगे। और दोस्तों आज के दिन इस स्टॉक में क्यों गिरावट हुई दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और अभी कुछ ट्रेडर हो सकता है दोस्तों कि इन स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड भी हम बात। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं फटाफट। दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, 5-7 मिनट में जो है कि सारा कवर कर लेंगे। स्टॉक दोस्तों हमारा ब्लैक रोज है। अगर हम ब्लैक रोज की बात करते हैं तो बहुत सारे ट्रेडर सोच रहे होंगे दोस्तों कुछ न्यूज होगा आज के दिन इस स्टॉक में 10% की गिरावट हुई है। दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में कुछ भी न्यूज नहीं है दोस्तों, जो भी मतलब गिरावट क्यों हुई दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, अभी तक बता दोस्तों अगर 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5 दिन में कंपनी 16-17% डाउन हो गई। एक महीने में बताया 22-23%। 6 महीने की बात करेंगे तो दोस्तों 42-40% के आसपास ये कंपनी डाउन है। अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में 41%, लेकिन दोस्तों 5 साल में देखेंगे तो ये कंपनी 113% का रिटर्न बना के दिया है। इस कंपनी के ऊपर दोस्तों हमने कल के दिन ही वीडियो बनाया था दोस्तों, आई बटन पर लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कल भी इस स्टॉक में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो लॉन्ग टाइम में ये कंपनी लगभग 13,483% का रिटर्न बना के दिया है। माइक्रो कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, तो आपसे बता जिस समय पूरे मार्केट में दोस्तों पैनिक रहेगा तो उस समय जो है कि ऐसे स्टॉक में माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप के स्टॉक में दोस्तों बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है कि गिरावट देखने को मिली। आज के दिन कंपनी ने एक 52 वीक का लो लगाया है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो आज के दिन इस स्टॉक में एक हाई वैल्यूम बना है। और दोस्तों बताना चाहते हैं किस स्टॉक में अगर पॉजिटिव साइन कहिए या निगेटिव पॉइंट कहिए दोस्तों, आप देखेंगे लगभग 3 दिन से ये स्टॉक में गिरावट हो रही है। जैसा 6% कल के दिन गिरा था, आज के दिन 10%, 1% मतलब दोस्तों 3-4 दिन से लगातार गिरावट हो रही है। दोस्तों बता देते बहुत ज़्यादा वैल्यूम तो बनता नहीं, फिर भी दोस्तों बताना चाहते जितना भी माल है देखा जाए तो एक ही प्रकार से देखा जाए तो मतलब 80-70% माल डिलीवरी में उठाया जाता है, जो कि एक पहली बार नहीं दोस्तों कई बार इसी प्रकार से माल उठा। अगला स्टॉक हमारा कल्याण ज्वेलर्स है दोस्तों। कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन ये स्टॉक लगभग 9% गिरावट दर्ज किया, 10-11% भी गिरावट दर्ज किया था। जैसा कि आप अगर इसके प्रीवियस क्लोजिंग को देखेंगे दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी लगभग आज के दिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि 106-105 रुपये की भी प्राइस पर ये कंपनी ट्रेड हुआ है। जैसा कि आप अगर इसके दिन का रेंज देखेंगे दोस्तों, ये कंपनी 105 रुपये का लो लगाती है, यहाँ पे 112 रुपये पे ओपन कही है। चाहे जो कि मतलब दोस्तों हाई कहने की बात करें तो अगर हाई की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 118 रुपये को ही कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम 52 वीक हाई की बात करते हैं दोस्तों, ये कंपनी का 134 रुपये का रिसेंट में ही लगाया था। लो की बात करते हैं तो 55 में आज के दिन दोस्तों गिरावट क्यों हुई। सबसे पहले अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर को मालूम होगा, बता दें दोस्तों आज के दिन इस स्टॉक में ब्लॉक डील हुआ है। ब्लॉक डील की अगर हम बात करते हैं 2.5% का स्टेक जो है कि सेल किया गया दोस्तों, किसके थ्रू, यहाँ पे देखेंगे वारबर्ग जो है कि पिंकसिस की बात करते तो उसने जो है कि इस स्टॉक को 7% डिस्काउंट पर जो है कि सेल किया है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो कि कंपनी का 11% आज के दिन लो लगाया, 105 रुपये मतलब 110 रुपये से 9 रुपये के बीच में जो कि ट्रेड हुआ है, 2.5% का स्टेक नियर दोस्तों इसने जो है कि सेल किया है। बहुत सारे ट्रेडर को दोस्तों वारबर्ग्स मालूम नहीं होगा कौन है दोस्तों, जिसके ऊपर भी हम आएंगे बात करेंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, आपसे बता दें आज के दिन 2.5% जो है कि सेल किया गया है अराउंड। दोस्तों अगर हम ब्लॉक डील की बात करते हैं, 2.60 करोड़ शेयर अराउंड जो है कि सेल कर दिए गए हैं। अगर हम पूरा प्राइस की बात करते हैं तो आपसे बताएं लगभग यहाँ पे 288 करोड़ का माल जो है कि बेचा गया है। अगर हम प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि 108-109 रुपये की प्राइस पे जो है कि सेल किया गया है। हाल ही में दोस्तों हम बताना चाहते हैं कंपनी के जो हाई है, जैसा कि हमने देख लिया कि 134 रुपये कंपनी ने हाई लगाया था, लो की बात करते हैं तो 55 रुपये कंपनी लो लगाया। दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो कंपनी ने इस कंपनी को बाइंग किया था दोस्तों, इस कंपनी में निवेश किया था, आपसे बताना चाहते हैं कि लगभग उस कंपनी को आज भी जो है कि 100% का प्रॉफिट था। लगभग 55 रुपये की प्राइस पर जो है कि कंपनी ने 50-55 रुपये की प्राइस पर जो है कि बाइंग किया था दोस्तों, और देखा जाए तो 110 रुपये प्राइस पर जो है कि उसने सेल किया। कंपनी की अगर हम IPO की बात करते हैं, 26 मार्च 2021 को कंपनी का IPO आता है दोस्तों, 87 रुपये की प्राइस पे। अगर हम कंपनी की बात करते हैं, अभी तक जो है कंपनी ने 45% का रिटर्न बना के दिया है। हालांकि दोस्तों इतनी गिरावट होने के बाद, ब्लॉक डील होने के बाद, आपसे बताना चाहते हैं कि काफ़ी ब्रोकर्स भी इस स्टॉक में जो है कि बुलिश हैं। कोई जो है कि इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 156 रुपये दे रहा है, और ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उसने जो है कि इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 160 रुपये रखा है। हालांकि दोस्तों अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखें, कर्नाटका हेडक्वार्टर कल्याण ज्वेलर्स हैज़ ओवर 150 शोरूम जो कि दोस्तों कंपनी ने खोला था। यहाँ पे अगर हम 31 मार्च 2022 की बात करें, नई नई कंपनी देखने को मिली होगी। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे हाइडेल जो है दोस्तों, यही हाइडेल इन्वेस्टमेंट ही दोस्तों जो कि फॉरेन की कंपनी है, तो इसी कंपनी दोस्तों बताना चाहते लगभग 2.5% का स्टेक जो है कि सेल किया है।
हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि जब से कंपनी मार्केट में आई हुई है अभी तक देखा है तो प्रमोटर ने कुछ भी जो है कि छेड़छाड़ नहीं किया है। अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक जो है कि इस स्टॉक में देखेंगे दोस्तों यही जो है कि पब्लिक मतलब यही दोस्तों जो ये पहले FIs था ये पब्लिक में था और अभी जो है कि यहाँ पे निकल के FIs में शिफ्ट हो गया है। अगर हम DIs की बात करते हैं DIs जो है कि माल को एक्युमुलेट कर रहे हैं, FIs की बात करते हैं तो FIs भी जो है कि माल को एक्युमुलेट ही कर सकते हैं। अगर हम पब्लिक की बात करते हैं दोस्तों पब्लिक ने भी माल को बढ़ाया है। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कंपनी अपने कंपटीटर के मुकाबले देखा है तो बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कंपनी के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों ऐसे में आज की अगर हम बात करते हैं आज के दिन देखेंगे दोस्तों तो PC ज्वेलर्स एक ऐसा स्टॉक है जो कि देखा है तो 5% तेजी। अभी इस स्टॉक में दोस्तों अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों अगर आप इसके 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में कंपनी ने आज भी जो है कि 43-50% का रिटर्न बना के दिया है। मेरे पॉइंट से जिनके पास भी है दोस्तों इस स्टॉक में मैं काफ़ी बुलिश रहता हूं और हर बार इस स्टॉक के बारे में मैं पॉजिटिव कमेंट्री करता हूं। तो जिनके पास भी है दोस्तों आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जिन्होंने टॉप पर बाइंग किया दोस्तों कोई भी फंसने वाली बात नहीं। मेरे पॉइंट से दोस्तों जो रिटेस्टर इस स्टॉक को नया बाइंग करना चाहते हैं फ्रेश आप चाहे दोस्तों एक करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट हो दोस्तों तो देखा जाए जो इसका सपोर्ट लेवल है 105 रुपये से 106 रुपये 7 रुपये बताया जा रहा है जो कि देखा जाए तो उसी के आसपास चल रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा जो टारगेट है हो सकता है कि स्टॉक 100 के आसपास आ सकता है। और हायर साइड की बात करते हैं दोस्तों तो जल्द से जल्द ये स्टॉक मेरे पॉइंट से 120 रुपये के आसपास जैकरोज में फंस गए। दोस्तों अभी इतना ही कहना चाहते हैं जिनके पास भी है इस स्टॉक को भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। ये भी कंपनी दोस्तों बहुत ही पुराने समय से मार्केट में काम कर रही है दोस्तों। और BSE के ऊपर दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये कंपनी बहुत ही पुराने समय से लिस्ट भी है, जैसा कि आप इसके चार्ट को भी देख सकते हैं, बहुत ही पुराना चार्ट आपको देखने को मिलेगा। जिनके पास भी है दोस्तों ये भी कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बताया कि ये एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है तो जिस समय इनके लिए नेगेटिव थोड़ा सा दोस्तों बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बन जाता है गिरावट के लिए। तो जिनके पास भी दोस्तों आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जो रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा मेरे पॉइंट से दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि आप इस स्टॉक को चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि 100 के नीचे भी 90 से 95 के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है। अगर हम हायर साइड की बात करते हैं दोस्तों तो ऐसे स्टॉक में जिस समय तेजी आती है तो एक अच्छी खासी तेजी भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों बता दें इस समय इस कंपनी के लिए नेगेटिव ज़्यादा है, जैसे ही तेजी आएगी हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। जिनके पास भी दोस्तों आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर गिरावट होती है तो 90 से 95 के बीच में आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करते हैं तो हो सकता है कि ये स्टॉक 120 के आसपास जा सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।